और सर एंशंट हिस्ट्री के लिए मैं आपका लेक्चर देख ही रहा हूँ सर, और सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मेरे को ऐसा लगता है जिसने एंशंट हिस्ट्री की बुक भी लिखी होगी ना वो भी नहीं पढ़ा सकता सर जितना आपने पढ़ाया है। मतलब इतने अलग अलग सोर्सेज से मैं तो ये देख के रहा हूँ कि सर मतलब कि मेरे को लगता है नहीं कि किसी को पता भी होगा सर, मतलब कि इतना डिटेल में, और उसके अंदर जो आप ये रिकैप वाला रिविजन वाला और जो आप खुद दिखते हो हमें बोलते हुए सर, उससे तो ऐसे लगता है लाइव एंगेजमेंट हो गया। तो मतलब कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने एंशियंट हिस्ट्री देखा ना तो मैं सोच नहीं सकता कि कोई बंदा स्टोन एज को भी इतना डिटेल में और इतना सेक्शन वाइज आपने हमारे माइंड में सेट किया है, चीजें सेट ही नहीं हो पाती थी। पैलियोलिथिक का लोअर मिडल अपर में उलझ जाते थे सर, फिर उसके बाद स्टोन एज प्री हिस्टोरिक, इतना ब्रांचेज अब सेट हो गया सर। सर मैं आपको बात बताता हूँ सर, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आज आप एमएम एकेडमी लेके आए हो ना सर, सर आपने इतना नॉमिनल चार्ज रखा है सर, मतलब कि आपने इतने नॉमिनल वे पे हमें प्रोवाइड कराया और जो सर्विस आप हमें दे रहे हैं ना, शायद वाले 1,50,000 में भी नहीं देते, और आप शायद हमसे 15,000 भी चार्ज नहीं कर रहे सर। सर आप उसमें हमारा टेस्ट भी टेक केयर करते हो कि एमसीक्यूज भी कराते हो, करंट अफेयर भी दे रहे हो, करंट अफेयर के एमसीक्यू भी दे रहे हो, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो सर। और अगर कोई इशू आ जाता है बहुत डिटेल में, मान लो कि आसपास क्या चल रहा है, उसको भी आप एक कोई एक्सप्लेन्ड वीडियो बना देते हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, ताकि हमें एक अच्छा कवरेज रहे। अब सर जैसे आर्टिकल 370 वाला आपने बनाया सर, मैंने इतने वीडियोस देखे, 370 जैसा आपने समझाया ना वैसा कोई नहीं समझा पाया कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है सर, मतलब कि एडिटर एडिटोरियल में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त बात बोली गई है कि आईज ऑन द प्राइज, आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा प्राइस पर, आपके जो एम है उस पर रहना चाहिए, आपकी जो मंजिल है उस पर रहना चाहिए। आपकी आंखें उससे अगर भटक गई तो आप पूरी तरीके से भटक जाओगे, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपको अचीव करना है उसी पर आपकी नज़रें टिकी हुई रहना चाहिए। बीच में मुश्किलें आती रहेगी, बीच में आपकी एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है क्लियर ना हो, मगर अगर एक बार आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई और अगर आपने आंखें भटका दी तो फिर आप भटक जाओगे, आप वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। भले ही आप फेलियर हुए हो पहले इसमें, लेकिन वो परमानेंट फेलियर मत रखिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 8 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर आपको कई इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे द्वारा देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरीके से अवेलेबल है और कई सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के एमएम एकेडमी में से ही आए थे। अगर हम पॉलिटी देखते हैं तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एमएम एकेडमी ऐप से ही आए थे। उसी के साथ साथ जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका भी कोर्स चल रहा है, जो जो ज्योग्राफी है उसका भी कोर्स चल रहा है, एथिक्स का भी कोर्स चल रहा है, तो बहुत सारे कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स अब जल्द से जल्द आने वाला है, जो एनवायरमेंट है अब पता चला कितना इंपॉर्टेंट है उसका भी कोर्स आने वाला है, और भी बहुत सारे कोर्सेज, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये ऐप आपके सामने है, तो कंट्री कौन सी आपको बताना है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसके आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और इतना ही नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आपको जो ये पीपीटी है उसकी भी पीडीएफ जो है वो शेयर मैं कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ जो कौन बनेगा आए सीरीज है उसकी भी पीडीएफ जो है आपको वहाँ से मिल जाती है। तो कौन बनेगा आए सीरीज और न्यूज़ वेब एनालिसिस करंट अफेयर्स के लिए सफिशियंट है, तो इसीलिए जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पर भी आप फॉलो कीजिए। आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन जो है ये देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो ये वाले जो न्यूज़ आर्टिकल है, सिर्फ यही एक न्यूज़ आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ ये डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़माना चल रहा है कि नोबेल प्राइज़ ले लो योजना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जा रहा है, तो आज किसे मिला है, कौन से इसमें मिला है, तो उससे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो ग्लोबल क्राइसिस लोकल रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखेंगे, और जो ग्लोबल क्राइसिस पर जो यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था उसे भी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेकिंग AI वर्क फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पर देखिए जो AI है उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे और इस आर्टिकल को भी अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर डिजिटल स्पेस जो है उसकी बात की जा रही है, तो इसे भी हम देखेंगे, और कल द हिंदू में भी मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है उससे रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो दोनों को साथ में देखेंगे। और ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटिकल है। ये वाला अगर हम देखते हैं RBI के बारे में बात की जा रही है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। खासकर मैंने आर्टिकल लिया है जिससे कि आपको CPI WPI दोनों में जो डिफरेंस होता है वो, और उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है
वो कौन से बेसिस पर होता है, क्योंकि देखिए यूपीएससी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड पर जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि ये होने से क्या होगा, ये होने से क्या होगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आपको बहुत कम जगहों पर मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन जो ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो रीथिंकिंग ऑफ द ट्रेड ऑफ है ये भी देखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया, तो ये वाला आर्टिकल देखते हैं जो हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो रेज है उससे रिलेटेड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इफेक्टिवली कौन सी चीज़ें कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है उसे यहाँ पर नीचे लेकर आना इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स जो है वो क्रिएट करना, डिसीज डायग्नोस करना, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन करना, और वायरलेस ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो यहाँ पर करना। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ना यूपीएससी का ऐसा भी हो गया है कि इंटरप्रिटेशन पर चीज़ें आ गई है, मतलब सबको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर रख दिया है कि भैया मेरा पेपर है तो ये तुम इंटरप्रेट करो कि क्या हो सकता है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन और मेरा इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा वो हम जब आंसर की आएगी तब देखेंगे। जैसे कि हमें पॉलिटी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था कि जो मेंबर्स है वो किसी भी हाउस का, मतलब जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए, लेकिन उसमें एक वर्ड डाल दिया गया था जिसे वोटिंग जो है, जो एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो अब इंटरप्रेट करो, जो वोट करने के लिए एलिजिबल है तो 18 साल की उम्र अगर आप ले रहे हो तो फिर जो मतलब राज्यसभा बोलिए लोकसभा बोलिए तो 25-30 साल एज जो है वो चाहिए रहती है ना। तो अब यहाँ पर 18 साल के हिसाब से देखे तो नहीं है, लेकिन राइट टू वोट कंसिडर नहीं किए तो बराबर हो जाता है। तो आप इंटरप्रेट करो, फिर आंसर की आएगी तब मैं इंटरप्रेट करके आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारे जहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन जो है वो लगा सकते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से इस्तेमाल होता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना वो एक्सप्लोर होती रहेगी। हो सकता है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई चीज़ ना हो रही हो, अगर आप 2010 देखोगे तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, या फिर 2005 अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो उसका स्कोप था वो कम था, है ना, उसका स्कोप हमें कम नज़र आ रहा था। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें और हमने एक्सप्लोर की है कि अच्छा AI से ये भी हो सकता है। प्रेजेंट स्टेट अगर हम देखें, प्रेजेंट स्टेट में तो ये एक वर्ड जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है, प्रेजेंट स्टेट, है ना, तो ये ज़रूरत होती है ये वर्ड लाने की। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट आ जाते हैं, 2005 में अगर एक क्वेश्चन आए तो 2005 में क्या क्या पॉसिबल था, 2020 में अगर हम देखें 2020 में क्या क्या पॉसिबल था। तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो इंडस्ट्रियल यूनिट में क्या उसमें इस्तेमाल होता है, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज सॉन्ग्स वो बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, डिसीज डायग्नोस करने में इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन क्या इसमें इस्तेमाल होता है, और वायरलेस ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या इसमें इस्तेमाल होता है। तो देखिए अभी हम जब ये देख रहे हैं तो इसमें एट प्रेजेंट क्या क्या हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो भी मैं यहाँ पर कवर किया हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा, इस सवाल का जवाब जो है वो आपको आ जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें रेज 2020 समिट जो है, मतलब रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यहाँ पर देखिए इंडिया ने जो लाया है इसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल AI, यहाँ पर AI रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है कि ये सोशल मीडिया जैसा ही है, अगर आप रिस्पॉन्सिबली उसको हैंडल कर रहे हो, है ना, YouTube बोलिए जो भी सोशल मीडिया बोलिए रिस्पॉन्सिबल हैंडल कर रहे हो तो इट विल बी बून फॉर यू, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वो कर्ज भी बन सकता है, वो आपके लिए हानिकारक भी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके अगेंस्ट पुलिस एक्शन हुई है ना, उन्होंने कुछ भी अनसर्न बोल दिया था उसके लिए। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर दिया और उन पर ये हो गया। आपने अगर देखा होगा तो मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस उनके काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे, है ना, कि वो जो सुशांत सिंह का केस हुआ था उस मामले में मुंबई पुलिस पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जब मामला थोड़ा बहुत साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, रिया चक्रवर्ती को भी बेल मिल गई है, तो ऐसे सिनारियों में अब जो मिनिस्टर्स है मुंबई के वो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र के वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब सोशल मीडिया जिन्होंने यहाँ पर ट्रोलिंग की थी या फिर उसका मजाक उड़ाया था या फिर डिफेम करने की कोशिश की थी उन पर अब कार्यवाही जो है वो की जाएगी।
तो ऐसे अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो सोशल मीडिया का, तो आपके लिए कर्ज बन सकता है, लेकिन अगर आप फायदा उठाते हो तो आपके लिए बून भी बन सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो अब ऑनलाइन इससे ही एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, अब फिजिकल क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इसलिए रिस्पॉन्सिबल AI जो है बहुत जरूरी है, है ना, और यही इंडिया का प्लेज है। हम रिस्पॉन्सिबल AI यहाँ पर लेकर आएंगे। हैज ब्रॉट इशू अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सेंटर ऑफ पॉलिसी डिस्कशन। कंट्रीज जो है अक्रॉस दी वर्ल्ड यहाँ पर वो एफर्ट्स ले रही है कि वो AI लेड डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इंडिया अगर हम देखते हैं तो AI फॉर ऑल स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सभी के लिए ऑल यहाँ पर लाई जानी चाहिए। वास्ट पूल है AI ट्रेंड वर्कफोर्स का, है ना, और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यूनिक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि हम जो सोल्यूशन है यहाँ पर हेल्थ केयर से बोलिए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, स्किलिंग, ये सब में यहाँ पर काम आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ पर हम कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मशीन ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, डिसीजन ट्री कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी की जा सकती है। मशीन लर्निंग अगर हम देखते हैं तो इसमें जो डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, डीप लर्निंग है ना, क्लस्टरिंग है, रिग्रेशन है, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। विजन अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रल नेटवर्क एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अगर हम स्पीच देखते हैं तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे हो सकता है। इवन रोबोटिक्स अगर हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक भाग देखने को मिलता है। रोबोट पिक्चर अगर आपने देखा होगा, है ना, तो इसी का एक भाग जो है वो हमें देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AI जो है ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कंसर्न है कि यहाँ पर जो मशीन्स है वो डेवलप की जा सके जो कि यहाँ पर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस तरीके की जो काम है वो कर सके, है ना, मतलब जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ रही थी, मतलब जो ह्यूमन जो है उनके इंटेलिजेंस के थ्रू होता था, लेकिन अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। कंप्यूटर जो है वो अब खुद यहाँ पर लोगों के काम करेगा। मतलब फ़र्ज कीजिए कि यहाँ पर एक रोबोट है, उसको UPSC एग्जाम बिठा दिया, तो वो अब अपनी से सोचने लगे कि अच्छा इसका एनालिसिस क्या करना है, इसका एनालिसिस क्या करना है, इसका क्या करना है, तो 200 में से 200 मार्क जो है वो लेकर आ जाए, क्योंकि ह्यूमन के इसमें तो भी एरर हो सकता है लेकिन मशीन के इसमें एरर होना काफ़ी मुश्किल होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डाटा एक्सपांशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, और इसमें वर्ल्ड जो है वो रैपिड एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पर फेस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसमें अगर आप देखोगे डीप लर्निंग, यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो सेक्टर है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिया जो उसमें काफ़ी यंग पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ईगर है एडॉप्ट करने के लिए, काफ़ी मज़ा आता है ना, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि AI जो है उसे हम सभी के लिए बना दें। इंडिया जो सभी के लिए बनाना चाह रहा है, सभी के लिए बना दें। मशीन लर्निंग बेस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को काफ़ी अच्छा एक रुख दे सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर इवेंट जो होते हैं पेशेंट्स के वो यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिसीजेस है उसके डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, उसका प्रिवेंशन जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि बेंगलुरु बेस्ड जो स्टार्टअप है उसने यहाँ पर नॉन इन्वेजिव AI अनेबल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आए साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सिमिलरली हॉस्पिटल जो है तमिलनाडु में वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि डायबिटिक जो यहाँ पर चीज़ें होती है उसको यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। AI बेस्ड सोल्यूशन वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्रॉप इंश्योरेंस बोलिए, पेस्ट कंट्रोल बोलिए, वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, ड्रोन्स, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग इरिगेशन सिस्टम के लिए, ये यहाँ पर फार्मर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं कि वो वीड जो है उसको मार सके और इफेक्टिवली यहाँ पर जो उनका बिजनेस है उसको बढ़ा सके। वॉइस बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्नेकुलर लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दी जा सके। अगर इंग्लिश में देंगे तो फार्मर को समझेगा नहीं, लेकिन अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो वर्नेकुलर लैंग्वेज में उनको मिलने की वजह से काफ़ी फायदा होता है। क्लियर है, इंडिया में AI फॉर ऑल स्ट्रेटेजी जो है फोकस करती है ऑन रिस्पॉन्सिबल AI, है ना, जैसा मैंने आपको बोला रिस्पॉन्सिबल AI है, जिसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे लिए बेनिफिट हो,
है ना, और उसी के साथ साथ जो पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिट हो वो हम करेंगे। नहीं तो क्या है, रोबोट जो था चिट्टी रोबोट वो अगर बना कर रख दिया और फिर वो अगर पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है तो मतलब नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे साथ साथ पूरी दुनिया जो है उसको भी यहाँ पर फायदा मिले, इस तरीके का हम यहाँ पर बनाएंगे। सोल्यूशन बिल्ट इन इंडिया विल सर्व द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है या फिर ऐसे में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो ऐसे होते हैं उसको अच्छे तरीके से देखा कीजिए, नहीं तो एक एस्पिरेंट थे उन्होंने जो पेपर है मेंस है वो लिख कर आए, बोले यार जबरदस्त गया ऐसे का पेपर, बहुत ही जबरदस्त गया, कौन सा ऐसे लिखा, तो टेररिज्म इन इंडिया है वो लिख कर आए, पूरा का पूरा नक्सलाइट सब 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 लिख दिया टेररिज्म इन इंडिया में। लेकिन एक्चुअल में देखे तो टेररिज्म इन इंडिया ऐसे था ही नहीं, वहां पर टूरिज्म इन इंडिया ऐसे जो है वो पूछा गया था। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। ड्रॉबैक्स अगर हम देखते हैं तो मेन से रिलेटेड यहाँ पर ड्रॉबैक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्रॉबैक्स अगर हम देखते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है ना, एआई अगर हम देखें उसको इंप्लीमेंट करने का, रोबोट बनाना इतना आसान होता है, सभी घर में रोबोट देखते थे, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। देखिए एआई बन रहा है लेकिन ह्यूमन ही तो बना रहे ना, ह्यूमन ही बना रहे, तो ह्यूमन जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। हाँ कुछ हद तक यहाँ पर हम कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है उनको चेक एंड एरर मेंटेन करने की, कब मशीन खराब हो जाए, मशीन अगर खराब हो जाए तो फिर तो लाले ही लाले पड़ जाएंगे, है ना। उसी के साथ यहाँ पर ये इंप्रूव नहीं होती विद एक्सपीरियंस। ह्यूमंस अगर हम देखें तो पहला आपने अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में आपने जिस तरीके से यहाँ पर किया था, सॉल्व किया था, आपको पता चला अच्छा मेरा ये गलत हुआ है, उसको आपने इम्प्रूव किया सेकेंड अटेम्प्ट में, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई सेकेंड अटेम्प्ट में, तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन वहीं अगर आप रोबोट जो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए बिठा दो तो ये भी एग्जाम ये भी एग्जाम ये भी एग्जाम सब उसमें उसका सेम रहने वाला है, इम्प्रूव नहीं होगा। क्रिएटिविटी लैक करता है, ह्यूमन जो है वो क्रिएटिव हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट को बोलूँ कि चलो भैया वीडियो बनाना शुरू कर दो, रोज आपको सेम वीडियो देखने को मिलेगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं उसको निकाल दिया जाता है, जो आते हैं उसको रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो लैक होती है और अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है, क्योंकि जो इंसान है अगर 100 लोग लग रहे हैं तो अगर रोबोट ला दिया जाए तो 50 रोबोट ही उनका काम कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये ड्रॉबैक्स हमें इसको देखने को मिलते हैं जो कि मेंस में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ग्लोबल क्राइसिस एंड लोकल रिस्पॉन्स पर। यहाँ पर देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स नियर फ्यूचर में तो कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर इम्यूनिटी देगी इंडिया को, मतलब यहाँ पर सावधान सतर्क रखेगी इंडिया को, यहाँ पर फायदेमंद रहेगी इंडिया के लिए। तो शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग जो है उस पर डिपेंड ना रहना, ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ज़्यादा ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स के लिए ओपन रहना और फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है उसको मेंटेन करना। अब एक एक चीज़ हम यहाँ पर कोशिश करते हैं देखने की, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कुछ किया है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर किया है, फर्ज कीजिए कि ये है इन्होंने अगर इंडिया में 100 करोड़ रुपए जो है वो लेकर आ गए, 100 करोड़ रुपए लेकर आए, यहाँ पर उन्होंने किसी में तो भी इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारे सर्कुलेशन में हमें 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं, है ना, 100 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना उसमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है मतलब फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छे तरीके से बरकरार रहे, जिससे कि कोई भी आपदा अगर आती है तो हम उससे लड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे सिनारियो में आप खुद सोचिए कि 100 करोड़ रुपये लाए हैं तो इसमें 100 करोड़ ये रुपी में लाए होगा कि इन्होंने, नहीं, इन्होंने काय में लाया होगा, डॉलर्स में लाए होंगे, फिर यहाँ पर आकर कन्वर्ट किए होंगे, मतलब हमारे पास ये डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये पैसे लेकर चली जाएगी, जब ये पैसे निकाल कर चली जाएगी कि मुझे वापस लेकर जाना है अपने देश, अपने स्वदेश में जाकर मुझे वहाँ पर काम करना है, तो फिर क्या होगा, जब ये 100 करोड़ लेकर जाएगी रुपी में लेकर जाएगी कि नहीं, ये कन्वर्ट करके लेकर जाएगी डॉलर्स में, मतलब हमारे कंट्री से डॉलर जो है वो जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर ये जो क्राइसिस है उस दौरान हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर हम करते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो ये पूरे 100 करोड़ ले जा पाएगी। लेकिन वही अगर हम हाफ कर देते हैं कि नहीं भैया हाफ ही ले जा पाओगे, तो फिर जानना भी अगर इनको है तो सिर्फ 50 करोड़ ही ले जा पाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो है फुल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगर हम करते हैं तो ये धोखादायक रहेगा हमारे लिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ये हमें इम्यूनिटी नहीं देगा। वही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स,
अब देखिए, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि फिर से कन्फ्यूजन जो है वो डेवलप हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा ही रहेगा कि फॉरेन बैंक्स के लिए हम यहाँ पर ओपन अप रह रहे हैं कि भैया आओ यहाँ पर फॉरेन बैंक्स जो है, वाओ कम वाओ मैन, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉरेन बैंक्स के लिए ओपन अप होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वही होगा कि भैया जब आए तब डाल दिया अकाउंट जो है वो यहाँ पर, मतलब पैसे जो है वो कर दिए और जब चाहे निकाल दिया। तो मतलब क्या हो रहा है, आपको ये समझना है कि इंडिया जो है वल्नरेबल तब बनता है जब हम फ्रीली पैसों का जो आना जाना है वो होने दे। मतलब इंडिया में कभी भी पैसा आ रहा है, कभी भी निकाला जा रहा है, कभी भी पैसा आ रहा है, कभी भी निकाला जा रहा है, फॉरेन करेंसी के इसमें अगर हम देखें तो ये वल्नरेबल बना देता है हमारी कंट्री को। ठीक है, इसलिए तो FII अगर हम देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, FPI अगर हम देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और अगर हम FDI देखें तो FDI हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो जो है ये कम टाइम के लिए होता है, तो इसलिए ये हमारे लिए वल्नरेबल पोजिशन क्रिएट करता है, ये हमारे लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसीलिए अगर हम ओपन हो जाएंगे फॉरेन बैंक के लिए तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पर डिपेंड ना रहना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए आपका कोई, आप हो, आपके दोस्त से आपने क्या बोला है कि भाई मैं देखो 10 दिन में पैसे जो है वो दे देता हूँ, मेरे को यहाँ पर 1,000 रुपये दे दे। अब आपके दोस्त ने क्या किया, आपको 1,000 रुपये जो है वो दे दिया, लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ, आपकी नौकरी चली गई। अब आप यहाँ पर देने के लिए लाले पड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए शॉर्ट टर्म बोरिंग जब होती है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है। वही अगर इसने ले लिया होता 2 साल के लिए तो फिर क्या है, 2 साल तक अब इसकी कोई पोजीशन खराब हुई है, फिर और इसने दूसरा जॉब ढूंढ लिया, फिर इसकी पोजीशन अच्छी हो गई, तो हो जाएगा नॉर्मली, है ना। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स पर डिपेंड ना रहना ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इसका जवाब, ये मेरे हिसाब से तो ये देखने को मिलता है। अब इकोनॉमी सेक्शन जब हम देखेंगे, इकोनॉमी जब कोर्स देखेंगे MM Academy में, जल्दी आने वाला है इकोनॉमी का कोर्स, बहुत फटाफट आने वाला है, क्योंकि अब फटाफट अगर आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गया है, पॉलिटी कंप्लीट होने पर आ गया है, तो और 2 यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। अब जो ज्योग्राफी है वो चलेगा, उसी के साथ एथिक्स जो है वो तो चल ही रहा है, अब यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फटाफट जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लो भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, प्राइजेस राइज होने से पहले। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो मैंने आपको खैर बहुत ही एकदम ही एमेचर इस पर बताया है, डीपनिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो एनिमेशन है वो बढ़ जाएंगे, उसी के साथ जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इकोनॉमी के लेक्चर्स में। ओवरऑल एशियन कंट्रीज जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है मच लोअर COVID-19 मोर्टेलिटी, अगर हम देखते हैं यूरोप के कंपैरिजन में। इनिशियल हायर मोर्टेलिटी जो है स्पेन में, फ्रांस में, वो यहाँ पर सेवरल रीजंस की वजह से देखने को मिली थी। स्पेन में काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी ना, हमने देखा था, मोर देन 75% डेथ जो है वो ज़्यादातर जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं उनकी थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखिए ओबेसिटी जिनमें है, स्मोकिंग है, तो वो भी इन्फेक्ट हो रहे थे। डिसप्रोपोर्शनली नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो भी इन्फेक्ट हो गए थे अर्ली फेज में, अगर हम देखें तो इसके वजह से हेल्थ सर्विस जो है वो वीक हो गई थी, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसका भी शॉर्टेज था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से अर्ली हमें यहाँ पर स्पेन में, फ्रांस में काफ़ी सारा डेथ जो है वो देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है उसको यहाँ पर क्या मतलब रिस्क क्या करता है, COVID-19 जो है वो क्या रिस्क फैक्टर क्या है उसका। तो यहाँ पर मेल सेक्स जो है, एडवांस एज जो है मोर देन 60 ईयर्स, यहाँ पर अगर कोई आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तो ये भी एक फैक्टर क्रिएट करता है कि आपकी डेथ जो है वो हो सकती है ना। अब अगर इंडिया में अगर हम देखते हैं, इंडिया का जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी स्क्यूड है, यंग जनरेशन के लिए फेवर करता है कि यंग जनरेशन ज़्यादा है, तो इसलिए अगर हम मोर्टेलिटी रेट देखते हैं काफ़ी कम है इंडिया में। WHO ने एस्टिमेट किया है 14% ऑफ इन्फेक्टेड केसेस जो है वो यहाँ पर सीवियर है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। 5% जो है वो इन्फेक्टेड केसेस ये काफ़ी सीवियर है, ठीक है, और 4% जो है वो यहाँ पर डाई होंगे, उनकी डेथ होगी। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नियरली 4% इन पंजाब एंड महाराष्ट्र अवीकों को अगर हम देखें तो हमें इस तरीके की केसेस जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया है उसमें इतनी यंग जनरेशन है कि इम्यूनिटी जो है काफ़ी स्ट्रांग है। अगर इंडियंस की हम इम्यूनिटी देखें, खासकर जहाँ पर ज़्यादा मॉब रहता है, मतलब समझ लीजिए कि अगर हम विलेजेस की बात करें तो वहाँ पर तो सभी की इम्यूनिटी जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है ना, इसलिए हमें जो फर्टिलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है।
उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें करना क्या चाहिए, अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें सब कुछ डेटा वगैरह सब कुछ ट्रांसपेरेंट जो है वो कर देना चाहिए, मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि साइंटिस्ट जो है वो रिलेवेंट चीज़ों के साथ बाहर निकल कर आ सके, एक्चुअल में क्या हमें ज़रूरत है उसके साथ बाहर निकल कर आ सके, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के साथ करना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हम एज लोकल एज पॉसिबल रिस्पॉन्स जो है वो फ्रेम कर पाएंगे, और जिससे कि जो कोविड है, क्योंकि अब देखिए कोविड जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, उसके जो मतलब अब यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि एक और पीक आने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो फ्रेम करने के लिए हमें लोकल होना पड़ेगा, और इसके लिए जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतती जाए उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इस पर आते हैं सोशल मीडिया टू अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में बात की जा रही है, अगर देखा जाए तो इसमें मोस्टली यहाँ पर जो पोर्नोग्राफी है उससे रिलेटेड बात की जा रही है, मतलब कि जो शादी है वो होने वाली थी लेकिन फिर उसके बाद ऐसा होता है कुछ ऐसे फोटोज वीडियोज़ जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं जो वाइफ है उसके, ठीक है, तो ऐसे केस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इस पर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें अनप्रेसिडेंटेड सेक्स क्राइम्स जो होते हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो रिवेंज पॉर्न जो होता है उसके टिपिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर बुक किया जाता है, आईपीसी सेक्शन 509, 499, 292 एंड 354C इसके तहत बुक किया जाता है। तो क्या होता है कभी कभार आपको ये सेक्शन जो है किससे रिलेटेड है ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जा सकते हैं। अब क्या क्या करना चाहिए, तो ये द हिंदू जो है उसमें दिया गया था कि जो इन्फॉर्मेशन है मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है उसे हम कैसे कर्टेल कर सकते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर जो टेक फर्म है वो ऑलरेडी फायर अंडर में है ना, सभी क्वार्टर्स के, मतलब यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं करने की लेकिन उनसे बन नहीं पा रहा है। जो AI है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सब AI चलता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वही चलता है कि ऐसी कोई अगर आए, क्योंकि देखिए क्या होता है मोस्टली कि अगर हम कमेंट जो है वो अलाउ भी करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर कमेंट अलाउ भी करते हैं, तो अपने आप कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो अब्यूजिव कमेंट्स है वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बाय फॉरगेट हो जाते हैं, अलग निकल जाते हैं, ठीक है, उसके लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों होता है, वो AI की वजह से ही होता है ना, कुछ अगर वीडियोज़ में कुछ अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल किए गए तो अपने आप मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे यहाँ पर हमें चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही देखने को मिलती है। तो ऐसे ही अगर हेट स्पीचेस है या कुछ है तो उसमें भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके हेट स्पीच को अलग कर सकते हो, है ना, हेट स्पीच जो है उसको आप फिल्टर अप कर सकते हो, लेकिन फर्म जो है ऑलरेडी फायर पर है कि आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड चीज़ जो है, अनलाइक USA, इंडिया जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली रेगुलेट कर सकता है फर्म को, USA जो है डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर रहा है, इंडिया डायरेक्टली रेगुलेट कर सकता है जिससे कि जो हेट स्पीचेस है उसका प्रोलिफरेशन ना हो सके। थर्ड इशू जो है कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेसबुक बोलिए इंस्टाग्राम बोलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर उसने एड्रेस करना शुरू किया है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर एक बोर्ड बनाया जाएगा और पूरे जो मसले हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया है उस पर जो हेट स्पीचेस होती है, फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है, अभी हाल ही की बात है इंस्टाग्राम जो ट्विटर है उस पर मैंने ट्वीट भी किया है कि एक जिनके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है कांग्रेस की वो देखने को मिलती है, उन्होंने एक मतलब इंटरनेट से जो एरोप्लेन है फ्लाइट है उसकी कैबिन का एक फ़ोटो निकाला और फिर उसको पोस्ट कर दिया कि जो VVIP जो लाया जा रहा है, एरोप्लेन लाया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तो वो यहाँ पर इस तरीके का दिखने वाला है इतने करोड़ रुपए का, तो वो फेक इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है, अब इतने रिलायबल सोर्सेज जो है वो अगर फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह से होता है, इवन BJP की तरफ से भी होता है, कांग्रेस की तरफ से भी होता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी होता है, हर जगह से होता है। तो इसको कर्टेल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्लू टिक वाले हैं खासकर वो अकाउंट जो है वो लोग सीरियसली लेते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रीथिंकिंग द ट्रेड ऑफ। अब ये वाला मैंने बेसिकली आर्टिकल लिया है जिससे कि आपको मैं इन्फ्लेशन के बारे में समझा सकूँ। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो मैंने आपको समझाया क्या है, लेकिन यहाँ पर CPI बोलिए, WPI बोलिए, दोनों में का डिफरेंस बोलिए, है ना, उसी के साथ इन्फ्लेशन के जो कॉजेस है वो बोलिए, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड आपको पता चले। यहाँ पर मैंडेट ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ये बेस्ड है काफ़ी नैरो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। हमने देखा हुआ है कि RBI जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसमें 6 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, 3 होते हैं RBI की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड।
अब आरबीआई जो है, हमने कल देखा था आरबीआई यहाँ पर स्टैग्नेंट रखने की कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पर कोई भी बढ़ाएंगे नहीं। क्यों इसका, मैंने आपको बताया था, पहले ही मैंने आपको बताया था कि यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जो ग्रोथ है वो हमें कम देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, तो एक स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें स्टैग्नेंट रखना सही होता है। तो अब यहाँ पर जो WPI है, स्टैटिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जो करंट अफेयर ही पढ़ के गए थे लग गए भाई साहब। तो यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया में, पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, उसी के साथ यहाँ पर बेस ईयर अगर हम देखते हैं तो शिफ्ट कर दिया गया था 11-12 में, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो ये रिटेल बायर इन्फ्लेशन होता है और 4 टाइप ऑफ CPI देखने को मिलते हैं, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर एंड रूरल अर्बन कम्बाइंड, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो ये मतलब कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन, और फर्स्ट थ्री जो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट थ्री ये वाले जो है ये कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसी के साथ साथ बेस ईयर जो है 2012 का हमें देखने को मिलता है। और अगर हम ये वाला देखते हैं, मतलब RBI जो यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है 4 ±2 का जो है ना, कि मतलब 2 से लेकर 6% तक रहना चाहिए, तो ये जो है ये सेट कौन से इस पर किया जाता है, CPI जो है इसी पर किया जाता है। डिफरेंस अगर हम देखते हैं दोनों में तो देखिए, WPI जो है ये सर्विस को नहीं लेता है, CPI जो है सर्विसेज को भी लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज है ना, सर्विसेज को भी लेता है। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि जो गुड्स है, जो चीज़ें हैं, आप अगर टूथपेस्ट खरीद रहे हो उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो दोनों जगह देखा जाएगा, लेकिन अगर MM Academy ऐप है उसमें अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसमें अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो WPI कैप्चर नहीं करेगा। अब ये इन्फ्लेशन जो होते क्यों है, डिमांड पुल इन फैक्टर्स होते हैं और कॉस्ट पुश फैक्टर होते हैं। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नीचे दिए गए में से कौन कौन से डिमांड पुल फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के या फिर कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं। डिमांड पुल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, राइज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। डिमांड पूल मतलब क्या है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। अब फर्ज़ कीजिए कि एप्पल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके प्राइजेस बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे है ना, तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये क्यों होता है, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे लोग, जनता बढ़ेगी, जनता की डिमांड बढ़ेगी है ना। उसी के साथ साथ ब्लैक मनी अगर बढ़ता है तो ब्लैक मनी से क्या किया जाएगा, चीज़ें खरीदी जाएगी। तो ब्लैक मनी अगर बढ़ता है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इनकम में अगर राइज होता है, अगर मेरे पास भी 1 करोड़ आ गया, आपके पास भी 1 करोड़ आ गया, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, हम सब गाड़ियाँ खरीदने के लिए जा सकते हैं और फिर वहाँ पर उसकी जो डिमांड है बढ़ जाएगी, प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा खर्च करती है तो उससे भी लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और फिर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट पुश फैक्टर मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो पुश किया जा रहा है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें अगर राइज हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइजेज जो है उसमें अगर राइज हो गया है, तो फिर कोई यही नहीं कर सकते है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर राइज हो गया है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले अगर देखा जाए तो सरकार जो है वो खरीद रही थी 2 रुपये पर kg में है ना, जो अनाज है उसको, लेकिन अब वो 5 रुपये पर kg में खरीद रही है। तो 2 रुपये में खरीद रही थी तो 5 रुपये में बेच रही थी, 5 रुपये में खरीदेगी तो 7 रुपये में बेचेगी, इन्फ्लेशन हो गया है ना, लेकिन ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ है। इंटरनेशनल प्राइजेस में अगर इंक्रीज़ हो गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए आईफोन मोबाइल है, वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में ही उसके प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए तो यहाँ पर भी हो जाएंगे। ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रहा है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर इंक्रीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती है। मतलब GST जो है, GST कोई चीज़ है, पहले उस पर GST, फ़र्ज़ कीजिए कि MM Academy का सब्सक्रिप्शन है, उस पर अगर 1 महीने के इस पर 18% जो है वो लग रहा है, तो अभी आपको 1599 जो है वो पड़ता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि 20% हो गया, तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो जाएगा है ना, इन्फ्लेशन रहेगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कॉस्ट पुश फैक्टर रहेगा इसमें। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। नॉर्मल टाइम्स में सस्टेन इंक्रीज़ जो है फूड एंड फ्यूल प्राइजेस में, यहाँ पर जनरलाइज इंक्रीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या हो रहा है, फूड जो है, फूड इन्फ्लेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई में अब ये आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ठीक है, इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो ग्रोथ है वो भी तो नीचे देखने को मिल रही है ना। तो RBI, यहाँ पर ऑथर का ऐसा बोलना है कि RBI जो पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं सिर्फ इन्फ्लेशन पर ही,
सिर्फ इन्फ्लेशन पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमें जो स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी समझना पड़ेगा और उस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो हमें करनी पड़ेगी। वी स्टिल एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिड्यूस ड्यूरेबली यहाँ पर दिसंबर में। क्यों? क्योंकि नया जो सोइंग है वो हमें देखने को मिलेगा और जिसके तहत यहाँ पर सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो अपने आप यहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और जो प्राइजेस है वो भी कम हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो कम आ सकता है। ठीक है, और जब भी स्टैगफ्लेशन होता है हमें सप्लाई जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नोबेल फॉर सीजर्स टू एडिट जीन। अब यहाँ पर जीन जो है उसकी एडिटिंग हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किन को मिला हुआ है। तो नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिस्ट्री में नोबेल जो है वो दिया गया है क्रिस्पर के लिए, क्रिस्पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हो रहा है, कट कॉपी पेस्ट जो है मैकेनिज्म ये इस्तेमाल की जा रही है हमारे जीन के लिए, जीन के लिए। ठीक है, मतलब एक डिजाइनर बेबीज जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो किए जा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, डिफो जो भी डिफॉर्मिटीज हो उसे करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है जीन में होते हैं, है ना। अब जीन को ही अगर हम कनेक्ट करेक्ट कर लेंगे तो फिर सब सही हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके की चेन है, ओके। अब ये अगर डिफेक्टिव है इसको निकाल दो और यहाँ पर दूसरा जो है वो कर दो। मतलब एक डिजाइनर, हम जैसे डिजाइन करते हैं ना कि कोई मणि डाले गए हैं, ठीक है, मणि डाले गए हैं, ये मणि खराब हो गया है, इसको निकाल दो, दूसरा जो है वो लगा दो। तो ये यहाँ पर हो रहा है डिजाइनर बेबीज, मतलब यहाँ सोचिए एडिटिंग, मॉडिफाइंग, जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ये न्यू नहीं है, पहले भी होता था लेकिन अब इसको काफ़ी आसान बना दिया गया है क्रिस्पर की वजह से। क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, एग्जाम में पूछा गया है क्रिस्पर क्या है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके से हो सकती है, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो। मतलब आपको अगर हेयर स्टाइल, हेयर कैसे चाहिए, आपको आंखें कैसे चाहिए, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, आपको ये है, आपको वो है, उससे आपको इम्यून जो है वो बनाया जा सकता है। मतलब हर इंसान जो है वो यहाँ पर क्रीज बनाया जाएगा। अब यहाँ पर नवंबर 2018 में अगर हम देखें, चाइनीज रिसर्चर जो है उसने क्या किया, उसने यहाँ पर इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया, क्योंकि उसने क्लेम किया कि उसने जीन जो है ह्यूमन एम्ब्रियो में वो अल्टर किए जिससे कि ट्विन बेबी गर्ल जो है उनका बर्थ देखने को मिला। और फर्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड डिजाइनर बेबीज जो है उसकी केस हमें देखने को मिली। उसी के साथ काफ़ी सारे ऐसे देखने को मिले कि एक ने जो मतलब HIV है वो ना हो ऐसी जीन एडिटिंग जो है वो कर ली, है ना। तो ऐसे हमें देखने को मिलते, तो कुछ एथिकल चीज़ें भी आ जाती है कि एथिकली ये करना सही है क्या, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो चीज़ें हैं वो बरती नहीं गई, यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं रखा गया। तो यहाँ पर एथिक्स का भी पर्सपेक्टिव जो है वो आ जाता है कि अपने आए गए सब अब यहाँ पर फिर एवरीथिंग विल लाइक टू बी परफेक्ट, है ना। सभी को यहाँ पर चाहिए रहेगा कि हम परफेक्ट बने, तो फिर अगर ऐसा चलता रहा तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो तो क्रिएट होंगी ही, है ना। सब अगर परफेक्ट रहेंगे तो फिर कैसे होगा। तो ऐसी ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।